तो हेलो सभी का स्वागत है सभी का और एक नए वीडियो में। तो आज तो सब अच्छे हो गए। तो आज है ट्यूसडे, अभी टाइम हो रहा है 5:30 और अभी हम निकल रहे हैं जिम के लिए। आज अपन कॉलेज नहीं गए थे क्योंकि कल थोड़ा टायर्ड हो गए थे, तो इसीलिए सो गए मैं। और आज है हमारा चेस्ट एंड ट्राइसेप, और आज अपन एकदम हाइपरट्रॉफी पे फोकस करेंगे, मतलब सब ट्राई करेंगे सभी वर्कआउट मशीन पे लगाने के लिए। कितने लोग ऐसे ड्राई स्कोपिंग क्रिएटिन लेते हो मुझे बताना, प्री वर्कआउट वाला फील आता है। मगर क्रिएटिन पहले लेता हूँ क्योंकि आप क्रिएटिन किसी भी टाइम ले सकते हो, वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद, या फिर सुबह शाम को, किसी भी टाइम। मगर मैं वर्कआउट से पहले लेता हूँ क्योंकि मुझे आके घर को याद नहीं रहता, फिर क्रिएटिन भूल जाता हूँ। तो इसीलिए जब भी याद रहता है, कभी मैं आने के बाद लेता हूँ, कभी मैं जाने से पहले लेता हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा टाइम ठीक लगता है। ये था पहला सेट हमारा इनक्लाइन स्मिथ मशीन पे। और जैसे कि आपको बोला था कि आज हम हाइपरट्रॉफी फोकस करेंगे, हम दो प्रेस आइटम और एक फ्लाई आइटम लगाएंगे ताकि चेस्ट अच्छे से वार्म हो पाए, ठीक है। तो इसका पहला सेट था, हम सभी वर्कआउट्स का 3-3 सेट लगाएंगे। तो पहला सेट में हमारा था 10 किलो, अच्छा गया। मैं स्मिथ मशीन इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मशीन में लगाने से आप अपना फेलियर तक जाते हो, और इसमें आपका हाथ एकदम स्टेबल रहता है, और बेंच प्रेस पे आपका हाथ अनस्टेबल होता है और फेलियर मतलब रिस्की भी थोड़ा होता है। तो अगर आप बेंच पे लगाते हो तो ट्राई करो किसी को स्पॉट और स्पॉटर रखने के लिए। और इसमें क्या है ना, आप फेलियर तक जा सकते हो, और जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है वही पर आप लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको सीधा टॉप सेट में मिलता हूँ। सेट इंक्लाइन स्मिथ मशीन पे। तो इसके बाद हम जाएंगे डिक्लाइन पे, और उसके बाद जाएंगे हम हमारा पेट क्लाइन। इसका ये फायदा है कि आप इसमें फेलियर तक जा सकते हो, जब फेलियर तक आप जाते हो तो आपका मसल ग्रोथ अच्छा होता है और आप पूरे आपका लिमिट को हिट करते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलते हैं अपना दूसरा वर्कआउट। डिक्लाइन स्मिथ मशीन पे और 7 रे पाए और 8 में फेल हो गया। यही कारण है स्मिथ मशीन पे मारने का कि आप फेलियर तक जा सकते हैं, फेलियर पे आप इंजन चांस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो प्रेस आइटम खत्म है अभी, और अभी हम तीसरा आइटम पे जाएंगे जो कि हमारा फायर वाला आइटम, ठीक है। Got our dreams, we must have found.
तीसरा मूवमेंट जो कि था टेक फ्लाइट, और जैसे कि आपको बोला था दो प्रेस आइटम और एक फ्लाई आइटम, तो इसके साथ हमारा चेस्ट का वर्कआउट होता है खत्म, और उसके बाद जाएंगे ट्राइसेप पे। Distance, we're the resistance. They gon' be the one who's running. They can feel the storm, it's coming. They can hear the drum be thumping. Off in the distance, we're the resistance. They gon' be the one who's running. They can feel the storm, it's coming. They can hear the drum be thumping. Off in the distance, we're the resistance. Single end overhead extension में cable पे था, और ये आपका long head, tricep का long head part को target करता है, और tricep का तो बस है. One who's running, they can feel the storm, it's coming. They can hear the drum be thumping. Off in the distance, we're the resistance. They gon' be the one who's running. पहला वर्किंग सेट केबल पुश डाउन पे, और ये आपका ट्राइसेप का लैटरल हेड पे टारगेट करता है, और थोड़ा बड़ा मीडियल हेड पे भी, और इसका भी सेम तीन सेट रखेंगे, और इन टोटल हमारा ट्राइसेप का छः सेट होता है। पहले वाले सेट में तीन और इस वाले सेट में तीन, टोटल ट्राइसेप का छः और चेस्ट का नौ, तो इसके साथ हमारा ट्राइसेप एंड चेस्ट का वर्कआउट हो जाएगा। They can feel the storm, it's coming. They can hear the drum beat thumping. Off in the distance, we're the resistance. They gon' be the one who's running. They can feel the storm, it's coming. They can hear the drum beat thumping. Off in the distance, we're the resistance. They gon' be the one who's running. दो रोटी और पनीर की भुर्जी, और इसको करके मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा अपकमिंग विंटर ट्रेनिंग प्लान, ठीक है। हमारा जो विंटर ट्रेनिंग प्लान है, क्या करेंगे हम, December 31st तक हम लो कैलोरिक डेफिशिएंट डाइट पे रहेंगे, ठीक है। और ट्रेनिंग होगा नॉर्मल, जितना मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जितना हो रहा है उतना ही होगा, मगर उस पर थोड़ा हम ज़्यादा ऐड करेंगे कार्डियो, ताकि हमारा फैट लॉस हो, ठीक है, और कैलोरी ज़्यादा बर्न हो, ठीक है। और फैट तो लॉस होगा नॉर्मली कैलोरिक डेफिशिएंट पे, मगर कार्डियो करेंगे ताकि हमारा ज़्यादा कैलोरी बर्न हो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो लीन मसल मास पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो उसके बाद December 31st हो जाएगा, फिर 31st पे जितना हुआ होगा अपना बॉडी चेंजेस वो ट्रैक करेंगे आज से, और उसके बाद January, February, March ये तीन महीने हम बल्कअप करेंगे, ठीक है। बल्क मतलब हैवी
हैवी कार हाई कार रहेगा और फैट नॉर्मल जितना ज्यादा फैट नहीं खाएंगे, हाई कार डाइट रहेगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा होगा हैवी वेट पे, ठीक है। तो वो है हमारा विंटर ट्रेनिंग प्लान। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलता है आपको दूसरे वीडियो चाहिए।